हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? हम बहुत अच्छे हैं। और कहीं भी आज संडे यार, सोचा कहीं गेड़ी शेड़ी मारने जाए, कुछ काम भी है। ये देखो ये काम आज लिफ्ट से शुरुआत हो रही है और ये ऑलवेज एक्साइटेड है। देखो क्यों एक्साइटेड हो आप, कहाँ जा रहे हो? ये तो कहीं प्लान नहीं बनता, जब जाने का प्लान बनता है तो बारिश, बाहर इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि डर ही लग रहा है। कहाँ कहाँ जाना आपको? बस करो बेटा, आपके कहने से एक बार मैं रेस्टोरेंट जा चुका हूँ, अभी कहानी सुनाता हूँ मैं सबको। बाप रे बाप, ये देखो बारिश। घमासान बारिश। चलो यार, मैं तो ऐसे निकल जाऊंगा। शिट 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 शिट, कहाँ गए? तो मैं बोल रहा था रेस्टोरेंट की स्टोरी है कि कुछ 2-3 हफ्ते पहले शायद ऐसे हम संडे को निकले बाहर गेड़ी के लिए, तो मैंने गलती से पूछ लिया, जैसे हम पूछ लेते हैं बच्चों को, बेटा कहाँ जाना? तो सबसे पहली चीज तो इसने बोला रेस्टोरेंट जाना, रेस्टोरेंट जाना है जहाँ से बारिश भी दिखे। तो मुझे याद आया है कि 2-3 साल पहले एक रेस्टोरेंट में हम गए थे। भाई साहब, जब वहाँ गए और खाने के लिए बैठ गए तो कोई भी चीज़ वहाँ 400-500 रुपये से नीचे नहीं थी। तो 2-3 चीज़ें खा गए हम, हमने फ्रेंच फ्राइज के भी उस दिन 450 रुपये दिए। आप समझ ही सकते हो कि हमने 3-4 चीजें ली होंगी, पता नहीं। 3,000 रुपए बिल बना था ना, 3,000 में हम क्या क्या कर सकते थे ये हम बता नहीं सकते आप लोगों को। बर्थडे वाले इतना तो आपके बर्थडे पे क्या खर्च नहीं किया। तो 3,000 में हम क्या क्या कर सकते हैं हम बता नहीं सकते। चलो ठीक है, बट अभी हमने सबक ले लिया है। तो किसी को घर से बाहर निकलते ही जो है भूख लग चुकी है। ये देखो फ्राइज, फेवरेट फ्राइज। अच्छा मीडियम फ्राइज ही खाते हो? हाँ मीडियम ही खाए करो। बिग फ्राइज नहीं तो घर तक वो फिनिश ही नहीं हो। अच्छा जी, ये लॉजिक है। नहीं तो मतलब खा कितना भी सकते हो आप। अगर पेट पूजा हो गई हो हाँ। तो पहले मेरा काम कर लेते। क्या काम है? वो सुबह जब आप लोग सोए थे ना हाँ। तो पार्सल पहुंच गया, जो दीदी ने पार्सल भेजा था ना हाँ। भोपाल से। तो अच्छा 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 मैं सोच रही हूँ जो पार्सल लेकर आया है हाँ। उसके थ्रू हम भी कुछ भिजवा दें। मेरे को एक चीज पसंद भी आई थी और मुझे लगा कि मैं बना सकती हूँ, तो मैंने बनाई है। देखते हैं हमको कैसी लगती है। क्या भिजवा रहे हो? वो क्या बोलते हैं यार, डीको 5 प्लेट है, डीको 5 कैंडल है। उन्होंने कहीं मुझे फोटो भेजी थी कि मुझे पसंद आया, मतलब कुछ ही लाइक अच्छा पसंद आई थी। तो भी खड़की जाना पड़ेगा इसका मतलब क्या? आए थे ना लेके वो खड़की वाले जो आर्मी का एरिया है ना, जो भी तो चल पड़ते ना। क्या दिक्कत है, खड़की कौन सा दूर है? हाँ मतलब दूर थोड़ा 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 दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। बाकी आप बाद में अपने काम कर लो, ये वाला पहले करते हैं। तो अभी जाएंगे हम खड़की, क्योंकि मौका मिला है ऐसे कुरियर करना, ऐसे मतलब कुरियर करना पड़ता है हमें। अभी कोई आया हुआ है तो उनके हाथ में दे देंगे तो जल्दी पहुंच जाएगा भोपाल। और हमारा प्लान भी बन रहा है भोपाल जाने का, अभी डेट्स फाइनल नहीं हुई है। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर लास्ट वीक ना, सितंबर लास्ट वीक में हम जाने वाले हैं। तो अभी भोपाल की भी सैर होगी और आपको दिखाया जाएगा। आप तो साथ में रहोगे यार, तो आपको दिखाया जाएगा। चलते हैं फिर, निकलते हैं। तो जब तक हम बात कर रहे थे, और ये देखो क्या हो गया है, क्या हो गया है? नजर हो गई आपकी। मेरी नजर हो गई है, सारे गिर गए। इसके हाथ में फ्राइज पकड़ाए थे, हमने बोला बेटा आप खाओ, इसके हाथ से नीचे गिर गए सारे। और ये थोड़ी परेशान हो गई थी, मैंने बोला कोई बात नहीं, नए बाय कर लेंगे। यम्मी थे तो नया बाय कर लेंगे ना बेटा, अभी कर। अब इसमें भी हमारी गलती है। आप ऐसे बोल रहे थे, मैंने गिराया। आपने पीछे से थोड़ा सा पुश करा था। अच्छा, मैंने पुश करा था? आपने बिल्कुल पुश नहीं करा था।
हाई फाई करो पहले, हाई फाई हाई फाई, लेट हो जाएंगे जिसको बोल टाइम दिया ना उनको। हाँ हाँ लेट हो जाएंगे, चलो चलो चलो। बारिश का कहर बरकरार है और हम ऑलमोस्ट खड़की के आसपास ही है। गूगल मैप क्या दिखा रहा है, 7 मिनट्स ना। ओके तो आर्मी एरिया तो स्टार्ट हो चुका है, यही है कहीं एम्युनिशन फैक्ट्री के पास बुलाया भैया ने, देखते हैं जरा कॉल करके देखते हैं यार, कॉल करते हैं उनको ना। भैया नेहरू रोड पे है ना, 27/1 है। तो गूगल बाबा के हिसाब से तो हम पहुंच चुके हैं। वो बोल रही है मैडम कि यू आर अराइव्ड, बट आगे है थोड़ा सा जैसा कि उन्होंने बताया। आज भी यार वो जो देसी फंडे होते हैं ना अपने, वो चलते हैं, जो गाड़ी रोक के किसी से पूछना है ना भैया वो कहाँ पड़ेगा। कहीं कहीं मतलब गूगल सही, ऐसा नहीं है गूगल मैप सही चलता है, बट बारिश है नेटवर्क तो फोर हो रहा है। हाँ बट कहीं कहीं आके ना जो है यही काम आता है यार। अच्छा गोला बारूद फैक्ट्री, अच्छा ब्लैक टी शर्ट में हो ना आप। हाँ दिख गए भैया, दिख गए एक सेकंड। पानी भर गया है बहुत ज्यादा। किसी का चप्पल भी दिखा। किसी का चप्पल दिखा पानी में, किसी का चप्पल दिखा आपको। हेलो पुत्र, हूँ तुसी मेरे नाल पंजाबी च गल करनी है। ठीक है मेरी। आर यू रेडी? थानू पता आज मी पै रहा। तुझे पता नहीं रहा। तुझे पता नहीं, थानू पता है आज मी पै रहा। आओ मेरी बता। की पता थानू? की मी पै रहा। मी की हुंदा या मी? बारिश हुंदी है। बारिश हुंदी तो बारिश की हुंदी है? रेन हुंदी है। तो थानू मम्मी दी जरूरत क्यों पै रही है हर एक गल पीछे? मुंडू जा रहे होती। पंजाबी नहीं हुंदी? पंजाबी नहीं हुंदी। ए पुत्र सीखो ना पंजाबी। मैं सिखा दूंगा मेरे पुत्र जी, और तुसी सिख लोगे मेरे तो। आओ आहो चलो मैं सिखा देंगा थोनू पुत्र, ऐसी पंजाबी सिखाऊंगा तुसी पंजाबी ते कर दोगे वट। पंजाबी बोलनी है पुत्र। पंजाबी का दिमाग नहीं निकला। तो ये हमारा नेक्स्ट मिशन, ये देखो हालत फोन की, इसमें प्रोटेक्टिंग ग्लास जो है वो चेंज करवाना। ये एक फोन है और ये दूसरा, इस पे भी ये भी टूट गया साइडों से, बीच में भी क्रैक है ना थोड़ा। तो इसको कौन फेंकता है, कैसे क्रैक आते हैं? मैं फेंकती हूँ, दीवार पटकती हूँ, टूट जाते हैं यार। कौन फेंकता है, कोई टेनिस रैकेट थोड़ी फेंकता है। मैं फेंकती हूँ। हाँ ये है ना, ये सच्चाई देखो निकल गया। ये क्या क्या बोल रहा है बेटा, कैसे क्या होता है? मैं बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए, बस आपके फोन पे YouTube देखती हूँ, गेम्स देखते हो? गेम्स भी तो देखते हो? नहीं नहीं उसमें गेम नहीं है। अच्छा और फिर इसमें तो गेम्स हैं इसमें। हाँ हाँ तो ये मैं वर्क खत्म करूँगी ना।
अच्छा 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 बोलो बोलो। तो इसमें जो बाय मिस्टेक में से गिर गया तो इसमें ऐसे क्रैक आ गया। अच्छा ये सेंटर वाला क्रैक क्या? मेरे को पर ये समझ नहीं आ रहा, ये वन प्लस का तो शायद मिल जाएगा प्रोटेक्टिव ग्लास, हाँ उम्मीद है वन प्लस का मिल जाए, बट इसका नहीं लगता मुझे ये एम आई का मिलेगा। नहीं नहीं पुराना हो गया है, मतलब मॉडल पुराना हो गया ना, पर ट्राई करते हैं किसी और का सेट होगा। ये प्रोटेक्टिंग ग्लास लग जाएगा इसका, ये तो 8T है वन प्लस, और ये पता नहीं MI का फोन सा है, 7 है 8 है पुराना फोन, पता नहीं क्या वार्तालाप चल रही है अंदर। तो यहाँ उल्टा हो गया है, जिसका मैं सोच रहा था प्रोटेक्टिंग ग्लास नहीं मिलेगा वो अवेलेबल है, मतलब MI का, और वन प्लस का अवेलेबल नहीं है। भैया ट्राई कर रहे हैं क्या बेस्ट ऑप्शन है, ये मिल गया इसका भी ऑप्शन है भैया, है यही है भैया, सही है क्या? सही है ना, चलो गुड यार, थोड़ा टाइम लग रहा है यार, आप बोर तो नहीं हो रहे ना मेरे बिना? नहीं 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 क्या देख रहे जलेबी? एक जलेबी चाहिए आपको? अरे दो चाहिए। अरे नहीं नहीं तीन चाहिए, क्योंकि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है दो ले लेना, हम खाएंगे। अच्छा मम्मा भी खाएगी? क्या बात है जी, MI तो हो गया तैयार। भैया दो पीस चाहिए, दो या तीन? खाने का? हाँ खाने का। थैंक यू, एक मिनट आ रहा हूँ मैं। लो जी लो मैडम, खा लो अपनी जलेबी। तो मिशन कंप्लीट हुआ, ये रहा MI और ये रहा हमारा वन प्लस, दोनों का हो गया जुगाड़। इसका थोड़ा ठीक नहीं मिला, वो बोल रहा भाई अगर काम नहीं चलेगा तो चेंज करवा लेना बाद में आके। हो गया, कैसी है जलेबी? अच्छी है। अच्छी है। चले अभी चले, चलो। तो अभी हुआ ये है कि जैसे ही मैंने फोन में वो प्रोटेक्टिंग ग्लास लगवाए ना, गाड़ी में आके बैठा तो एक छोटा लड़का आया, और आपने आप भी पुणे में इधर आगे पीछे सब घूमते हो गए, आपको दिखता होगा कि ये ऐसे गार्बेज बैग जो हैं वो बेचते हैं, वो कुछ लेडीज भी हैं, मतलब अंकल आंटी छोटे बच्चे भी हैं। तो छोटा बच्चा था तो मेरे हाथ में कैमरा था तो मैंने उसको भी शूट किया, तो 50 रुपये के 3 बैग उसने बोला, तो मैंने उसको 3 बैग लिए, 50 दिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मैंने उसको दिए। बट मैंने जो वीडियो शूट करी थी मैंने उसकी वीडियो डिलीट कर दी, डिलीट इसलिए की क्योंकि उसने बोला कि भैया आप वीडियो बना रहे हो तो मुझे मतलब थोड़ा अलग सा लगा, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप वीडियो बना रहे हो तो एक्चुअली क्या है, मैंने बोला तो इससे क्या होगा, तो वो बोला भैया कि क्या हुआ कि हमारी जो हमारी जात वाले हैं जैसे, वो अगर देखेंगे कि मैं ऐसे बैग बेच रहा हूँ तो उनको एतराज़ होता है और ये मेरा काम बंद हो जाएगा, और जो मैं दिन के 200-300 रुपये कमाता हूँ तो मैं उससे भी जाऊँगा। तो मैंने वीडियो डिलीट कर दी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार कि बात छोटे बड़े की नहीं है, इज्जत सबकी, बात छोटे बड़े की नहीं है क्योंकि इज्जत सबकी होती है। अगर उसको एतराज़ था तो मुझे कोई हक नहीं बनता है कि मैं किसी की भी वीडियो शूट करूं और YouTube पे डाल दूं, और उसको एतराज़ हो उसको अच्छा ना लगे, तो इसलिए मैंने उसकी वीडियो डिलीट कर। इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अभी घर जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया बाहर। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चला जाए घर वापस, तो तब तक के लिए सबको बाय बाय।